सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाली सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन लगभग 60 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लूज कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है, परंतु एक महीने के अंदर स्टॉक में 40% के रिटर्न देखने को मिला है। 3 महीने में 70%, 6 महीने में 67% और 1 साल के अंदर 83% से भी ऊपर के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक का चार्ट पैटर्न में देखें तो स्टॉक काफी टाइम तक 285 रुपीज से नीचे ट्रेड करता रहा, पर जैसे स्टॉक ने एक बार 285 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दिया, जिसका स्टॉक का पहले का हाई था 285 रुपीज, जैसे स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया, स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिला है। स्टॉक ने एक हाई बनाया 427 रुपीज, 427 रुपीज के स्टॉक में एक हाई बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का जो नीचे का सपोर्ट लेवल बन चुका है वो 368 रुपीज का बन चुका है, क्योंकि स्टॉक में यहां पर एक लो बनाएगा और यहीं से स्टॉक में एक खरीदारी देखने को मिली है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 370 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 450 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।